Strong viewers, my name is Vanchima. Welcome back with a video of Capital Smart City Overseas Central Sector C. एंड पार्शल सेक्टर ई बट लेट्स कंसिडर ओनली सेक्टर सी सेक्टर ई की मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो ये थोड़ी सी मर्ज हो रही है वीडियोज़ इसमें ओवरऑल मेरा मकसद जो है वो वक्त सेक्टर सी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने सीरीज स्टार्ट है ओवरसीज से सेंट्रल की पहले मैंने ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की वीडियो बनाई है ये सेक्टर सी की वीडियो है सबसे पहले बात करिए सेक्टर सी में किस साइज के प्लाट्स हैं और उसमें किस डायमेंशन के प्लाट्स हैं सेक्टर में सी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन के प्लाट है जिसका साइज है पचास बाय नब्बे अगर हम उसको यार्ज में बात करें तो बनता है पाँच सौ गज़ और अगर हम कनाल में बात करें या मरलों में बात करें तो ट्वेंटी मरला और एक कनाल के प्लाट्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्टर सी में जहाँ तक बात है इनकी डेवलपमेंट की और उसकी लैंड की कि ओवरऑल लैंड ट्रेन कैसी है और डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है तो सेक्टर सी में अराउंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट एरिया जो है वो ऑलरेडी विलास के लिए रिजर्व है जो सोसाइटी की तरफ से लेटेस्ट स्टेज पे विलास कंस्ट्रक्ट करके सेल किए जाएंगे सितंबर ऑनवर्ड्स में भी अभी तक इन विलास को लॉन्च नहीं किया गया जो पुराने ओवरसीज ईस्ट के विलास थे जो क्लोज हो चुके हैं वो रीसेल में अवेलेबल हैं फ्रेश अवेलेबल नहीं होते तो इस वक्त जो सोसाइटी की तरफ से विलाज अवेलेबल हैं अवेलेबल होंगे फ्यूचर में सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स होंगे अभी सोसाइटी ने इनको लॉन्च नहीं किया थर्टी परसेंट प्लाट्स जो विलास के रिजर्व हैं बाकी जो प्लाट्स हैं उनके रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं जिन मेम्बरान को भी यहाँ पर प्लाट एलोकेट हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट फॉलो अप ले सकते हैं कि आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कहां स्टैंड करती है जहां तक लैंड ट्रेन की बात है लैंड ट्रेन तरीबन थर्टी टू फोर्टी परसेंट लैंड ऐसी है, की, जो ऑलरेडी लेवल लैंड है लेवल लैंड से मुराद है कि पर ऑलरेडी कोई ऐसा कटिंग फिलिंग वाला काम रिक्वायर्ड नहीं है सेवेंटी परसेंट लैंड जो ऐसी है वो जो कटिंग वाली लैंड है फ्यूचर में अभी यहां पर जो डंपर और मशीनें नजर आ रही हैं ये सारी जो आपको मिट्टी की पहाड़ियां नजर आ रही हैं यहां से गायब हो जाएंगी बिल्कुल यहाँ पर लैंड को लेवल लेवल कर दीजिएगा प्लेन लैंड जिस तरह की आपको सेंटर में लैंड नजर भी आ रही है इस तरह बाकी जो ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे लोग बात करते हैं जी यहां फिलिंग है डिप्रेशन है वो है ये है वो है डिप्रेशन इस चीज को सोसाइटी के साथ जो पहाड़ियां हैं इनको मिट्टी काटना इसको लैंड को एलोकेट करना यूज करना बहुत ज्यादा फिजिबल है एज कम्पेयर टू के फिलिंग करना डिप्रेशन वाले प्लाट को तो वो चीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई भी प्लॉट ओवरसीज सेंट्र में डिप्रेशन वाला नहीं होगा हाँ कुछ रोड्स वाला पार्ट ऐसा है जो शेयर डिप्रेशन थी और वहां पे फिलिंग की जाएगी उनके प्लॉट एलोकेट किए जाएंगे वो एक सेपरेट डिस्कशन है बट यहां पे जितने प्लॉट्स हैं वो कटिंग वाले प्लॉट्स हैं अगला सवाल यह था कि सेक्टर सी की जो लैंड है वो अवेलेबल है हंड्रेड परसेंट लैंड पिक्योर्ड है तो सेक्टर सी के अंदर हंड्रेड टेन परसेंट लैंड पिक्योर्ड है यानी कि अगर सोसाइटी इससे ज्यादा प्लॉट का बनाना चाहिए यहाँ पे मैप पे तो वो वही बना सकती है और लैंड यहाँ पे प्रे्योर्ड है ओवरऑल स्मार्ट सिटी के बाद तकरीबन चौंतीस हज़ार दो सौ चौबीस कैनल जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसको आप सारे लोगों ने देखा भी था कि यहाँ पे चौंतीस हज़ार दो सौ चौबीस कैनल को तीन साल में डेवलप किया गया है और रावलपिंडी इस्लाम के डोमेन में सारी सोसाइटीज़ ने मिलकर यानी कि जितनी सोसाइटीज़ रावलपिंडी इस्लाम के डोमेन में छः साल में लैंड डेवलप की और तरीबन बारह हज़ार समथिंग कनाल बनती है और यहाँ पे चौंतीस हजार सामथिंग रात सोसाइटी ने अकेले सिंगल हैंडली डेवलप किया हाफ टाइम में यानी तीन साल में तो यहाँ पे लैंड केसर इश्यूज नहीं है ब्लॉक एफ और ब्लॉक डी के लैंड के बारे में कुछ हैं कुछ पॉकेट्स हैं स्मॉल पॉकेट्स हैं मतलब उसमें कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है वो लैंड अभी शायद ग्रीन लैंड है उसमें ऐसा कोई ब्राउनिंग नहीं हुई तो मे बी उस लैंड को इशू लेकिन ओवरऑल जितनी लैंड है तमाम की तमाम लैंड डिवेलप लैंड है ओवरसीज सेंट्रल में हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट में आसपास जितनी सोसाइटी जितना एरिया बनता है या जितना आप कह लें कि जितनी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं मास्टर प्लान पे तमाम के लिए लैंड मौजूद है अब बात करते हैं जी जो कुछ पॉकेट्स में लैंड मौजूद नहीं है उसका क्या होगा अभी फॉर द टाइम टाइमिंग गूगल अर्थ लोकेशन पे जो है वो नवंबर 2021 की इमेजेस अपडेट हैं जब वो अप्रैल में या मई में, में जब भी अपडेट होती हैं इमेजेस गूगल अर्थ लोकेशन पर तो मैं उसकी मदद मतलब से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कौन सी लैंड का कहाँ पर इशू बनता है बट ओवरऑल ज़्यादा मेबरान से इफेक्ट होने के चांसेस नहीं है कोई थोड़े से मैंबरान होंगे लेकिन सोसाइटी उनको अल्टरनेट जाहिर से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है जैसा कि एल ब्लॉक के मेबरान को ऑफर किया गया था कि आप किसी और ब्लॉक में अपने प्लॉट शिफ्ट कर लें कि वहाँ पर आपकी डिले आ रहा था पोजिशन में तो इसलिए सोसाइटी ने उनको ऑफर कर दिया जो उनकी पिछली लोकेशन थी उससे बहुत अच्छी लोकेशन नई लोकेशन पे यानी आपने रेट्स जो तो पे किए हुए हैं वो पुराने ब्लॉक के हैं आपका बारह मला प्लॉट सैंतीस लाख अस्सी हजार का है आपका पांच मला प्लाट जो उन्नीस लाख पचास हजार वाला है और आपका जो सात मला का प्लाट है वो पच्चीस लाख नब्बे हजार वाला है और आपको लोकेशन जहां पर एलोकेट की गई है वो उन मेबरान में एलोकेट की गई है जहां पे पांच माला चौबीस लाख का प्लाट क्लोज हुआ है सात मलाल्ला साढ़े इकतीस लाख का और जो इसमें बारह मल्ला का प्लॉट है पैंतालीस लाख सतर हज़ार का क्लोज हुआ है तो इन एनी केस उन उनब मेंबरान के लिए लोकेशन भी अच्छी मिल गई उनको प्राइस भी अच्छी मिल गई और विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा यह उनको लोकेशन ऑफर की गई है बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अभी फॉर द टाइम भी अगर आप साइट पर विजिट करते हैं तो आपको जो डेवलपमेंट नज़र आएगी वो ओवरसीज से सेंट्रल की दो पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइम डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे एक तो रिंग रोड है दूसरा चार सौ फुट रोड अब मैं आपको गूगल लोकेशन की मदद से ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ब्लॉक के चार साइड पे सेक्टर सी की चार साइड पे कौन से एरियाज़ वाक़ हैं और इन पे लेफ्ट राइट जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी की तरफ से मास्टर प्लान में शो की गई हैं वो कौन सी चीज़ें हैं इस वक्त अपने सीन पर ओवरसीज सेंट्रल का जो मास्टर प्लान है वो देख सकते हैं ये इसमें सेक्टर सी की लैंड है इसमें मैंने बात की थर्टी परसेंट बट ज़्यादा ही लैंड बनती है थर्टी परसेंट से ज़्यादा जो विलास के रिजर्व है बट सोसाइटी ने ये वाले जो पहले वाला पूरी लेन है इसमें कहते हैं स्ट्रीट नंबर सिक्स इसको फ्रंट और बैक को दोनों विलास के रिजर्व किया है और ये वाले को मेमरान को लोकेशन एलोकेशन हुई थी जिन मेरान ने फोटी या फिफ्टी परसेंट अप्रंट पे किया था और बाद में इंस्टॉलमेंट क्लियर की थी तो उनको यहाँ पर लोकेशन एलोकेट हुई है बहुत सारे मेरे अपने ज़ाती मैंबर्स हैं जिनको मैंने यहाँ लोकेशन एलोकेट करवाई थी लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी लोकेशन वाली बात यह कि बड़ी प्राइम लोकेशन पे चार फुट रोड की एक्सेस है और सामने वाली साइड पर ये वन सिक्सटी फीट वाइड रोड है मेन रोड है जो इसको कनेक्ट करता है वन एटी फीट वाइड रोड से और सेंटर में यहाँ पे इनके साथ ही यहाँ पे मिनी मार्केट अच्छा बहुत से लोग ये मुझे क्वेश्चन भी करते हैं कि जो जे है इसका मतलब क्या है जे एस मीन स्कूल एम मीन मॉस्क इसके बाद एम एम मीन मिनी मार्केट ये वाले एरियाज़ जो हैं ये सोसाइटी ने दो ब्लॉक्स के दरमियान में सेंटर में लीनियर पार्क में रिजर्व किए हुए हैं यानी यहाँ पे ये जो सोसाइटी के साथ तो लेटेस्ट स्टेज पर शायद इन्वेंट्री सेल की जाए अभी तक तो इनको क्लियरली सेल नहीं किया गया बट लेटेस्ट स्टेज पर शायद को सेल किया जाए अब बात करते हैं जी सी ब्लॉक की ओवरऑल लोकेशन की किसकी चार साइड पर क्या बनता है अगर हम बात करें नॉर्थ साइड की तो यहाँ पर ई ब्लॉक बनता है सी ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर अगर हम इसकी बात करें ईस्ट साइड पर तो इसकी ईस्ट साइड पर चार सौ फुट रोड है जहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेस भी अवेलेबल है और यहाँ पर इस वक्त जो है डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है ये वाला सारा एरिया जो है गी है इसके अलावा अगर बात करें वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड पर सेक्टर बी बनता है सेक्टर बी में जो है वो भी सेम इसी साइज की कटिंग है प्लस यहाँ पर दो कनाल के प्लाट्स भी मौजूद हैं सेक्टर सी में और अगर हम बात करें साउथ साइड पर तो साउथ साइड पर इसकी साढ़े तीन सौ फुट रोड है और इसकी साढ़े तीन सौ फुट रोड की बैक साइड पर यहाँ पे सिलिकॉन वैली है अब इस ब्लॉक के अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिन लोगों को हाई राइज प्राइवेसी से कंसर्न होते हैं उनको शायद यहाँ पे इशू हो इस सेक्टर में बट ओवरऑल सेक्टर सी की लोकेशन मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी एक्सेस जो है क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है प्रॉपर्टी के अंदर आपकी कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या उसकी एक्सेस कितनी आसान है अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन की एक्सेस आसान है तो भैया खड्डे में प्लॉट हो आपके प्लॉट की वर्ष जो होती है वो करोड़ों में जाती है रीज़न इज़ कि उसकी एक्सेस आसान होती है तो ये रीज़न है कि सेक्टर सी की जो है एक्सेस बड़ी प्राइम है जिन मेम्बरान के यहाँ प्लॉट हैं मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करें इसको सेल ना करें क्योंकि अभी ये आ, मार्केट के अंदर हाई पाती है थोड़ी सी तेजी आती है तो आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सेल कर दूं अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें जहां पर आपने ट्वेंटी या ट्वेंटी लेके अब तक होल्ड किए हुए प्लॉट और अभी आपको जब इंटरचेंज की बात असल इसमें एक्चुअल जंप्स है ना वो इंटरचेंज के बाद आने हैं आज की डेट में अगर मार्केट में आपको बंदा 20 लाख की प्रॉफिट ऑफर कर रहा है ना या मेरी तरफ तो से 50 लाख भी ऑफर कर रहा है एक करोड़ भी ऑफर कर रहा है तो वो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है जो आपको इंटरचेंज बनने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में गुलबाग ग्रीनस की वोट एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको दोबारा वो एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ गुलबाग ग्रीनस के अंदर इंटरचेंज बनने से पहले चार कनाल का प्लाट पचहत्तर लाख का बेचना इंतहाई मुश्किल होता था और आज वही गुलबाग ग्रीन के अंदर आपको चार कनाल का प्लॉट बारह से तेरह करोड़ का मिलता है और दस कनाल का प्लॉट जो था वो आपको यहाँ पर फार्म हाउसिस की बात कर रहा हूं जहां प्लॉट 10 कनाल का होता है कंस्ट्रक्शन अगर दो कनाल पे होती है यानी 25% या 20% एरिया कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 10 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको यहाँ पे तकरीबन सवा दो करोड़ का बेचा गया था अर्ली टाइम्स में आपको आज आपको वही प्लॉट जो है 25 करोड़ का मिलता है अभी रिसेंटली परीजा ड्रामा जिस घर में शूट हुआ था उस्मान चीमा के उसी घर की बर्थ जो है आज वो 60 करोड़ में सेल हुआ है जो किसी दौर में वो प्लॉट सवा 2 करोड़ का लेना भी लोग कहते थे इधर आके किसने लेना है तो सिर्फ एक एक्चुअल जो बात होती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को टाइम दें जब वो प्रॉपर्टी जब कहते ना लोग इधर आगे किसने रहना है उस वक्त गुलबर्ग ग्रीज की इस्लामाबाद हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे कोई इंटरचेंज नहीं था आज उसका डेडिकेटेड इंटरचेंज है तो उसकी ये वर्थ है अब इस्लामाबाद हाईवे पर इंटरचेंज होना वो शहर के अंदर एक इंटरचेंज है कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे इमेजिन करें आपका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर कनेक्टिविटी रूट है वो है इस्लामाबाद हाईवे मोटरवे उसके ऊपर आपका इंटरचेंज है गुलबाग का जहा इस्लामाबाद हाईवे की विथ है 300 फुट और गुलबाग का रोड है 220 फुट तो 300 फुट से 220 फुट रोड से आप जब नीचे आते हैं तो आपकी प्लॉट की वर्थ टेन टाइम फिफ्टीन टाइम नहीं थाउजेंड परसेंट उसमें प्रॉफिट आ गया है इमेजिन करें कि आपका मोटरवे से पाकिस्तान के सबसे पीक रोड पे जिसकी आपकी फेसिलिटी में एयरपोर्ट भी आता है उस रोड से जिसकी वेट था 360 फुट और आपका 400 फुट का मेन रोड नीचे उतर रहा है और इस सोसाइटी की एक् एक्सक्लूसिव आपकी एंट्रेंस है यानी सोसाइटी से कोई और सोसाइटी एक्सेस नहीं ले सकती इक्का तो दुका लोग यानी कि अपनी कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो या यूनिवर्सिटी आना हो तो सोसाइटी ने बिल्कुल स्टार्ट में प्रेमिस रखी है और ये जितना कमर्शियली स्टार्ट में रखा है इस एरिया से आगे भी कोई आ सकता तो इस एरिया में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ जाएंगी ये सिर्फ वक्त की आने सिर्फ आने वाले वक्त की बात है वंस दै इंटरचेंज ग्राउंड ब्रेकिंग इज हेल्ड इसके बाद आपके प्लॉट की प्राइसिस को शूट करने से कोई भी मिलोता आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बट लेटेस्ट स्टेज पर डिमांड ये डिमांड है इसने मल्टीप्लाई होना है ये टेन से मल्टीप्लाई हो फिफ्टीन से हो ट्वेंटी से हो बट ये काम लाजमी होगा अगेन बैक टूल फुटेज इस वक्त मेरी स्क्रीन पे सेक्टर ई e और सेक्टर सी की पार्शियल फुटेज देख सकते हैं सेक्टर ई e की मैंने इसलिए वीडियो में ज्यादा चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए नहीं की कि सेक्टर ई e के वाले से मैं सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें सेक्टर ई e के जो मेम्बर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि, कि उनके प्लाट्स हैं उनकी ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है डेवलपमेंट क्या है अब जो सेक्टर सी है उसके उन्हें आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अब बात करें सेक्टर सी के भी आपको जो कुछ लेवलिंग नजर आ रही है बैक साइड पर आपको जो मकान सोलूशन का लोगों इसके नीचे कुछ मशीनरी नजर आ रही है इस वाली एरिया की तो ये आप सेक्टर बी की तरफ जा रहे हैं सेक्टर बी के साथ इसमें यहाँ कुछ आपको जो रोड नजर आ रही है इस रोड का नाम है रिंग रोड और इस रोड की खास बात यह कि इस वक्त ऑन ग्राउंड इसकी देखें तकरीबन तो ढाई से तीन किलोमीटर का पैच ऐसा है जिसकी इस वक्त कॉम्पेक्शन हो रही है साइड पे यानी कि जब ये रोड प्रॉपर्ली कारपेट होगा तो यहाँ सबसे बेनिफिट उन मेम्बरान को मिलेगा जिन्होंने आठ मरला और चार मरला कमर्शियल यहाँ पर ओवरसीज से सेंट्रल में जिनका बैलेट हो गया है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये वर्थ उनकी करोड़ों में ऑलरेडी आपकी इंस्टॉलमेंट प्लॉट है आई थिंक चार वाला प्लाट था एक करोड़ पाँच लाख का आठ वाला प्लाट था एक करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार का यही प्लॉट आपका ये रोड बनने के बाद और इंटरचेंज ओपन के बाद आपको मार्केट में चार साढ़े चार पाँच करोड़ की इससे नीचे आपको नहीं मिल सकता तो अगर आपके पास प्लॉट है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं आपकी प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट करूँगा अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें जब आपने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ तक होल्ड की है मजीद इसमें आपको लॉस तो नहीं है तो आप इसको होल्ड करेंगे तो जितना देर आप इसको होल्ड करेंगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा

ओवरसीज सेंट्रल की प्रेमिसज में आ गई तो उस बंदे की फॉर लाइफ लॉटरी है कि उस बंदे को अगर वो सेल नहीं करते तो आप उसमें बहुत अच्छा इंसेंटिव ले सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं एग्जाम्पल उसकी मतलब शेयर में मल्टीपल एग्जाम्पल है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो हमेशा होती है उसकी वर्थ हमेशा डे बाई डे मल्टीपला होती है यानी ऊपर की मतलब आप कह लें कि आपने लिया एक करोड़ का है और आपको थोड़े से टाइम के बाद पाँच करोड़ फिर दस करोड़ फिर पंद्रह करोड़ कहाँ से कहाँ रेट निकल जाते हैं आप डी एच एल और फेज रेट की एग्जाम्पल देख लें कि आपको अठारह करोड़ से नीचे प्लाट नहीं मिलता जो दौर किसी किसी दौर में प्लाट जो था वैसी नवे लाख रुपये का प्लाट था तो इसी तरह

स्पेसिफिकली सजेस्ट suggest है सजेस्टेड बात है कि आपको रिकमेंडेड बात है कि आप उस प्लॉट को डायल्यूट ना करें कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करना कंसिडर ना करें जहाँ आपने इतना सबर कर लिया तो एटलीस्ट सेप्टंबर तक भी सबर कर लेंगे तो आपके प्लॉट पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जो आमतौर तौर पर किसी और सोसाइटीज़ में नहीं होता मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दस साल में पिछले इस्लामबाद में देख लें आपको किसी सोसाइटी में नहीं मिलता कि आपने करोड़ का प्लॉट लिया दस करोड़ का हो गया पाँच करोड़ का हो गया दो करोड़ का हो गया ऐसा नहीं होता तो ये आपके पास गोल्डन अपर्चुन है वेल दिस इट टुडे अगर आप कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट री बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए रीसेल प्लॉट की जरूरत हो तो आप दिए गए नंबर पर कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़